हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे LG 1.5 टन 5 स्टार के स्मार्ट एयर कंडीशनर के बारे में। दोस्तों, 2024 में LG ने बहुत ही धमाकेदार अपग्रेड निकाला है अपने स्मार्ट एयर कंडीशनर में। यानी आप अपने यूजेस के हिसाब से, यानी आपका एयर कंडीशनर कितना पावर कंज्यूम करना चाहिए पूरे महीने भर में, अब ये चीज आप खुद डिसाइड कर सकते हो LG के स्मार्ट एयर कंडीशनर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ और किस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं वो चीजें भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, LG के ये स्मार्ट एयर कंडीशनर एक 5-स्टार एयर कंडीशनर है। इसका मॉडल नंबर है दोस्तों Q19PWZE। ये 2024 का नया मॉडल है। ये मॉडल दोस्तों Amazon पे अवेलेबल है। दोस्तों, LG के इस एयर कंडीशनर का प्राइस है 48,790। दोस्तों, पहले बात करेंगे इस एयर कंडीशनर के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, LG के इस एयर कंडीशनर की ISR रेटिंग है 5.20 की। LG का ये एयर कंडीशनर पूरे साल भर में 744.99 यूनिट कंज्यूम करता है पूरे साल भर में। यानी ये इस 1.5 टन एयर कंडीशनर का दोस्तों एनुअल पावर कंजप्शन है। और दोस्तों, LG के इस AC की अगर हम कूलिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो इस एयर कंडीशनर की 100% के हिसाब से कूलिंग कैपेसिटी है 5000 की। और मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो LG के इस एयर कंडीशनर में आपको 5800 वॉट की मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। यानी इस एयर कंडीशनर को आप 10H इंक्रीज करके भी चला सकते हो। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस AC की नॉइस लेवल की, तो इस एयर कंडीशनर में आपको 31 dB का नॉइस लेवल देखने को मिल जाता है। दोस्तों, 2024 में LG के इस स्मार्ट एयर कंडीशनर के अंदर एक धमाकेदार फीचर एड हुआ है जिसका नाम है एनर्जी मैनेजर। यानी आप अपने हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मैनेज कर सकते हो कि LG का एयर कंडीशनर कितना पावर कंज्यूम करना चाहिए पूरे महीने भर में, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों, LG का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप LG का ये एनर्जी मैनेजर किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, जैसे इस LG के ऐप में आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप इस ऐप के जरिए AC को ऑन कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, फिर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको नीचे आना लास्ट में, और लास्ट में लिखा होगा नीचे यूज़फुल फीचर, एकदम लास्ट में लिखा है ना, ये देखिए यूज़फुल फीचर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ऐप में आने के बाद यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक एनर्जी मॉनिटर, यानी आपका AC कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है वो मॉनिटर कर सकते हो, और एक एनर्जी मैनेजर, यानी आपके हिसाब से LG का ये एयर कंडीशनर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करना चाहिए 15 दिन में, 30 दिन के हिसाब से। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है एनर्जी मैनेजर। जैसे ही एनर्जी मैनेजर ऐप में आते हो अंदर, तो यहाँ पे तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला, आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट डेट, मान लो आज की तारीख है 18 तारीख है, तो 18 तारीख स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। मान लो 18 तारीख है स्टार्टिंग पॉइंट, मैं सेलेक्ट किया और कन्फर्म पर क्लिक कर दिया, कन्फर्म, ये स्टार्टिंग डेट हो गई। मान लो मैं 18 से 31 तक का एक एस्टिमेट लगाना चाहता हूँ, तो आप पूरे महीने भर का भी लगा सकते हो। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कैलेंडर आ गया, अप्रैल का भी लगा सकते हो। मैं मान लो मैं 18 तारीख से लेके 31 तारीख तक का लगा रहा हूँ। स्टार्टिंग डेट किया मैंने 18 तारीख, एंडिंग डेट किया मैंने 31, और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब नीचे एक ऑप्शन आएगा डेली यूजेस, पहले हमने किया स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा किया हमने एंडिंग डेट, ठीक है 30 दिन तक का लगा सकते हो 30 डेज का, फिर यूजेस, यानी आप डेली AC को कितना घंटा यूज़ करने वाले हो। मान लो डेली आप घंटा यूज़ करोगे 8 घंटे के हिसाब से, या फिर मान लो लगाओ आप 6 घंटा यूज़ करने वाले डेली, तो मान लो मैं 6 घंटे के हिसाब से सेट कर लेता हूँ 6 घंटा। अब आप कितना पावर कंज्यूम करवाना चाहते हो, तो मान लो मैं चाहता हूँ कि मैंने 18 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में मेरा AC लगभग 40 यूनिट कंज्यूम करना चाहिए। मान लो 40 यूनिट कंज्यूम करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 40 यूनिट सेट कर दूंगा, 40 किलो वाट, और सेव पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही सेव पे क्लिक करूंगा, एक ग्राफ सा आ जाएगा, और देखो यहाँ पे 40 यूनिट का ग्राफ आ जाएगा। अब आपका एयर कंडीशनर ऑटोमेटिकली इसको मैनेज करता रहेगा, जब भी ये आपके 40 यूनिट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंडिकेशन आएगा, पॉकअप आएगा। यानी दोस्तों, आप काफ़ी सिंपल और आसान तरीके से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मैनेज कर सकते हो इस एनर्जी मैनेजर की मदद से। दोस्तों, एनर्जी मैनेजर का ये फीचर LG के सभी वाईफाई वाले मॉडल में अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये तो हो गया एनर्जी मैनेजर फीचर्स। इसके अलावा दोस्तों, LG के इस एयर कंडीशनर को आप अपने वॉइस के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि ऑन करना, ऑफ करना। उसके लिए आपके पास गूगल असिस्टेंट या अमेजोन अलेक्सा होना चाहिए। LG के इस एयर कंडीशनर में आपको एक नया फीचर और भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है हीम क्लीन। LG AC के रिमोट में बटन आएगा, जैसे इस बटन को प्रेस करोगे, LG AC का जो इंडोर यूनिट होता है उसकी एवेपोरेटर कॉइल पे बर्फ़ जमने लगेगी। थोड़ी देर तक बर्फ़ जमेगी, उसके बाद बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी,
जिसके जरिए जो एसी का जो इंडोर यूनिट होगा ऑटोमेटिकली सर्विस होने लगेगा, क्लीन होने लगेगा और जितनी भी गंदगी होगी वो सब ड्रेनेज पाइप के थ्रू निकल जाएगी। उसके बाद में एसी की जो इवेपोरेटर कॉइल होगी ऑटोमेटिकली ड्राई होगी। ये प्रोसेस 30 मिनट तक चलता है हीम क्लीन फीचर की मदद से। जो एलजी एसी का जो इवेपोरेटर कॉइल होगा दोस्तों ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा। और दोस्तों एलजी का ये एयर कंडीशनर ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आ रहा है। ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर का एडवांटेज ये होता है दोस्तों एसी के अंदर वाइब्रेशन कम होता है, नॉइसेबल कम होता है और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करने का काम करता है। यानी ये एक हाई एफिशिएंसी रोटरी कंप्रेसर है जो कि आपको एलजी के सभी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में देखने को मिल जाता है। दोस्तों एलजी के इस एयर कंडीशनर वाले मॉडल में आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड का फीचर भी देखने को मिलेगा। यानी आप अपने यूजेस एंड कंफर्ट के हिसाब से एलजी के इस एयर कंडीशनर को 6 अलग अलग मोड में कन्वर्ट करके चला सकते हो। जैसे कि टनेज डिक्रीज करके भी चला सकते हो या टनेज इंक्रीज करके भी चला सकते हो। अगर आपके घर में लोग ज्यादा है तो टनेज इंक्रीज करने के लिए एलजी एयर कंडीशनर में एक मोड आता है विराट वाला। जैसे विराट मोड एक्टिवेट करते हो तो एलजी का एयर कंडीशनर 110% की कैपेसिटी में काम करता है। और दोस्तों एलजी के इस एयर कंडीशनर में AI प्लस टेक्नोलॉजी भी आती है। यानी आप एसी को किस तरीके से यूज करते हो, आपका डेली का यूजेस पैटर्न क्या है एसी, वो सारी चीजों को मॉनिटर करता है। इसके अलावा बाहर का टेम्परेचर क्या है, रूम का टेम्परेचर क्या है और आपके यूजेस पैटर्न, इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद आपको एसी कंफर्ट कूलिंग देता है जिससे आपको एक यूनिफॉर्म कूलिंग मिलेगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होगी। और दोस्तों एलजी के एयर कंडीशनर में मेंटेनेंस की बात की जाए तो एलजी का ये एयर कंडीशनर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल है क्योंकि एलजी के इस एयर कंडीशनर में आपको 100% कॉपर कॉइल देखने को मिलेगी, वो भी ग्रूव वाली जिसकी थिकनेस यानी गेज क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। दूसरा एलजी के इस एयर कंडीशनर के दोस्तों इंडोर कॉइल और आउटडोर कॉइल पे आपको एंटी ग्रोजन कोटिंग देखने को मिल जाएगी गोल्ड फिंस प्लस की, जो कि एलजी एयर कंडीशनर को सालों साल रस्टिंग से बचाती है ताकि एसी के अंदर कोई भी खराबी ना आए, लीकेजिंग की प्रॉब्लम ना आए और ना ही एवरेटर कॉइल खराब हो। एसी में एक भी बार लीकेजिंग का इशू आता है तो 4,000 से 5,000 रुपये का मेंटेनेंस डायरेक्टली आता है। तो दोस्तों एलजी का ये एयर कंडीशनर मेंटेनेंस फ्री एयर कंडीशनर होने वाला है, यानी सालों साल तक इसमें कोई भी लीकेजिंग के इशू नहीं आएगा और ना ही इवेपोरेटर कॉइल खराब होगी। तो एसी की हीट एक्सचेंजर कॉइल अगर खराब नहीं होती तो एसी में की कूलिंग परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहता है। दोस्तों एलजी के सभी 5-स्टार वाले मॉडल में आपको 4-way swing देखने को मिलेगा। यानी 4-way swing का एडवांटेज ये होता है दोस्तों 4-way swing की मदद से जो एयर फ्लो होता है पूरे रूम के अंदर यूनिफॉर्म एयर फ्लो मिलता है। दोस्तों अगर आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन की दिक्कत होती है तो भी ऐसे में आपको अलग से स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत नहीं। एलजी एसी का स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन 120 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक काम करता है। दोस्तों एलजी के इस एयर कंडीशनर में आपको कुछ सेफ्टी सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हम जब एसी को लगातार यूज करने लगते हैं तो एसी का जो कंप्रेसर और कंडेंसर कॉइल होती है उसमें ओवरहीटिंग ओवरलोडिंग होने लगती है जिससे एसी खराब हो जाता है। तो एलजी के इस एयर कंडीशनर में सेफ्टी सेंसर आते हैं, यानी एसी के अंदर कभी भी कोई ओवरहीटिंग ओवरलोडिंग होती है तो उसे ऑटोमेटिकली मैनेज करते हैं जिससे एसी में कोई भी खराबी नहीं आती है और एसी बिना रुकावट के लिए बिना किसी रुकावट आपको फास्टर कूलिंग मेंटेन करके देता है। और दोस्तों एलजी का ये एयर कंडीशनर कूलिंग के साथ साथ एयर प्योरीफिकेशन भी करता है क्योंकि एलजी के इस एयर कंडीशनर में एंटीवायरस एंड एंटी बैक्टीरिया फिल्टर्स आते हैं जो कि रूम की एयर के अंदर इनविजिबल डस्ट पार्टिकल एंड बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं और आपको एक क्लीन एयर देते हैं। दोस्तों एलजी एयर कंडीशनर की अगर हम वारंटी की बात की जाए तो एलजी एसी कंप्रेसर मिलती है 10 साल की वारंटी, पीसीए मिलती है दोस्तों आपको 5 साल की वारंटी और कॉम्प्रेंसिव वारंटी की बात की जाए तो एसी में कभी भी कुछ भी खराबी आती है उसके लिए मिलती है दोस्तों 1 साल की वारंटी। दोस्तों एलजी एयर कंडीशनर के जितने भी बेस्ट मॉडल है सभी के मॉडल नंबर और बाइंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाइए चेक कीजिए। अगर आपको प्राइस चेक करना है तो प्राइस चेक कर सकते हो या फिर मेरी दी गई लिंक से प्रोडक्ट बाय भी कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।